बहुत पुराना सामान है मेरे पास, बहुत पुराना सामान है, विंटेज सामान जमा करने की मेरी आदत हो चुकी है। मैं पुरानी चीजें यूज करते रहता हूँ करते रहता हूँ करते रहता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे बैगेज किंग, जो कि यू नो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स न्यू वेंचर है। उन्होंने हमें दो टैंक बैग भेजी है और एक हाइड्रा बैग भेजा है। सो विदाउट एनी फालतू की बकबक, मैं बकबक करते रहूँगा, सो विदाउट एनी बकबक हम शुरू करेंगे। बैगेज किंग को मैंने सीधा बोला है कि मैं यूज़ करूँगा और जो एक्चुअल रिव्यू है मैं आप लोग को बताऊँगा ऑन माई वीडियोज़। मेरे राइड में तो आपको पता ही चल जाएगा अबाउट द टैंक बैग एंड द क्वालिटी, उसकी यूजबिलिटी, रिलायबिलिटी, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। बहुत काम पड़े हैं, सो ढीले नहीं करेंगे आप। मेरे राइनॉक्स के टैंक बैग, मेरा पुराना हाइड्रा पैक, अभी इतना यूज़ करने के बाद एक्चुअली थोड़ा वेरेंटर तो हो ही जाता है। एज यू कैन सी ये थोड़ा यहाँ पे फटने लग गया है। इट इज़ नॉट एक्चुअली सेफ इन इन द रेंज, बट ठीक है, अंदर का लाइनर अभी भी है। मैं सोच रहा था कि मैं यही फिर से खरीदूँ, बट देन पैकेज किंग के ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे है। इतने प्यार से उन्होंने हमको भेजा है। और ये जो हाइड्रा पैक है, आई थिंक इसको भी मैं 2 साल के ऊपर इससे यूज़ कर रहा हूँ, एंड थोड़ा हल्का स्मेल भी आता है। आई डोंट नो इफ दिस इज सेफ। मैं रिकमेंड करता हूँ ब्लैडर आप बदल दो एवरी 1.5 साल 2 साल में। पसीने हो रहे हैं मेरे, एज कैसे दिखाऊँ आपको पसीना, इतनी गर्मी है बस मुंबई में, मतलब हद होती है यार। सो ये है बैगेज किंग का रैम्बलर, जो बड़ा वाला टैंक बैग है। उसके साथ ही ये है बैगेज किंग का रेक्स, जो छोटा वाला टैंक बैग है। यू कैन सी द साइज डिफरेंस। एंड ये रहा हाइड्रा पैक। उप्स सॉरी, ये मैं शॉर्ट्स पहन रहा हूँ, गर्मी ही उतनी है यार। हाँ, सो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी वाली टैंक बैग की। दिस इज द बिगर वन। ये है रैम्बलर, बैगेज किंग का रैम्बलर है। इट इज 25 लीटर्स नॉर्मल कैपेसिटी, एक्सपांड भी होती है अप टू 30-31 लीटर्स। 1680D का पॉलिएस्टर फैब्रिक है, विच इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा कहते हैं। अभी यूज करके पता चलेगा कैसा स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। काफी प्रैक्टिकल बैग है, एंड दिस इज गॉट द रियर मैग्नेटिक स्ट्रैप्स लाइक दिस। मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नॉर्मल स्ट्रैप्स भी लगा सकते हो इफ यू वॉन्ट। इसमें अटैचमेंट दिया गया है। सेकेंडली, सबसे बढ़िया बात इसकी, एक यूनिक बात ऐसी है कि इट इज आई थिंक द फर्स्ट टैंक बैग इन इंडिया जिसमें आपको लैपटॉप स्लीव दी गई है। आई शो इट टू यू, लैपटॉप स्लीव पता नहीं मेरे कितने काम आएगी, बिकॉज इसमें कैच है। एज यू कैन सी, ये है लैपटॉप स्लीव, यू कैन इजीली पुट इनसाइड योर लैपटॉप। बट दिस इज फॉर 13.5 इंच, जो मुझे लगता है मेरे किसी काम के लिए। मेरे लैपटॉप 15 इंच का है, सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपको ये इलास्टिक भी मिलता है जिससे आप सामान उसको बांध सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अच्छा खासा मैश है, इसमें आप केबल्स और वो सब पावर बैंक ये सब लगा सकते हैं। इसके अंदर भी स्पंज दिया है फॉर प्रोटेक्शन, एवरीवेयर देयर इज स्पंज। पॉकेट्स तो भाई साहब, पॉकेट्स तो इतने हैं। यहाँ पे एक जिपर है, यहाँ पे एक जिपर है, फिर ये वाला बाहर वाला पॉकेट काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर भी एक पॉकेट है, ये रहा एक स्ट्रैप जो लगाने का मैंने आपको बोला था। इसके अंदर भी एक पॉकेट है बॉस, सेम टू सेम क्वालिटी सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग। आई टोल्ड हार्दिक हुइज फ्रॉम बैगेज किंग दैट मैं इसको चेक करूंगा और मैं रिव्यू भी दूंगा कि आफ्टर फ्यू डेज कि भाई कैसा लगता है, क्या लगता है, आपको कुछ सजेशन मैं दे पाऊँ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट वो भी दूंगा। यहाँ पे भी है एक पॉकेट, ये रहा इसका रेन प्रोटेक्टर गार्ड, जो इसके ऊपर पूरा का पूरा आ जाएगा इस तरह से। सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें ये लगी गाइस कि ये जो है मोबाइल का पैनल, इसमें आप मोबाइल वर्टिकल लगा सकते हैं। द प्रॉब्लम विथ माई राइनॉक्स टैंक बैग वॉज दैट जो ये एरिया है यहाँ पे मोबाइल, एक तो मेरा आता नहीं है, 5.5 इंच का स्क्रीन है, सब स्क्रीन साइज इसमें फिट प्रॉपरली होता नहीं है। सेकेंडली, टैंक बैग ऐसा रहता है मेरे ऐसे, तो ये जो मोबाइल है मुझे हॉरिजॉन्टल रखना पड़ता है और उसका ओरिएंटेशन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो मैप उल्टा दिखने लगता है। दैट वॉज अ प्रॉब्लम दैट आई यूज टू फेस इन दिस, बट वेरी इंटेलिजेंटली बैगेज किंग ने इसको वर्टिकल लगा दिया। मतलब हमारी टैंक बैग जो ऐसी रहेगी
तो डायरेक्ट फोन ऐसा वर्टिकल दिखेगा, यू विल गेट टू सी योर मैप एंटायरली प्रॉपरली। और मेन मतलब दिस कैन बी यूज्ड फॉर टच स्क्रीन फोन, आप ऊपर से डायरेक्टली टच करके इसको नेविगेट कर सकते हैं। आई ट्राइड इट, इट वर्क ऑल्सो। काफी अच्छा हैंडल है, यहाँ पे एक हुक है, और ये रहे चार के मेटल मैग्नेट के, क्या बोलते इसको, ओके काफी स्ट्रांग है। सो दीज आर फोर मैग्नेटिक जो अटैचमेंट्स होते हैं जो आपके टैंक को लग जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, इसको आप एज अ बैकपैक भी यूज कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली हुक इट एंड यू कैन यूज इट एज अ नॉर्मल बैकपैक। अभी राइनॉक्स में और इसमें डिफरेंस ये बैकपैक के रिलेटेड ये है कि राइनॉक्स में हम लोग को ये पीछे का निकालना पड़ता था टू एक्सेस द बैकपैक, इसके अंदर है वो स्ट्रैप एज यू कैन सी। बट दिस इज नॉट द केस विद रैम्बलर, बैगेज किंग का बैग है, इसमें आपको डायरेक्टली इसी में मिल जाता है और इसी में आपको इसको रख देना है। सो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। ये जो मटेरियल है वो एंटी स्क्रैच मटेरियल है, क्लेम्ड बाय बैगेज किंग, इसको आप स्क्रैच नहीं होंगे टैंक। बट आई रेकमेंड कि आप इसके नीचे माइक्रोफाइबर क्लॉथ ज़रूर रखिए, बिकॉज टैंक को स्क्रैच पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से स्क्रैच कभी भी पड़ सकती है। कोई भी मटेरियल यूज़ कर लो, एक्सपीरियंस। एंड सबसे बड़ी थिंग इसकी कि इसके जो रिफ्लेक्टर्स है बॉस, खत्म, विषय कट रिफ्लेक्टर्स है इसके। यहाँ पे मतलब मैं रात को एक फोटो शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, ये रहा वो फोटो, खतरनाक वाला रिफ्लेक्टर्स है, ट्रॉन जैसी फीलिंग आती है ऑल ओवर द बैग, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और क्वालिटी भी काफ़ी मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है। आप इसको खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूंगा, अभी भी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। हार्दिक का इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इज फ्रॉम बैगेज किंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम और यू कैन विजिट दिस स्टोर। सो ये जो लैपटॉप का एरिया है, इसलिए 13.5 इंच का जो पाउच दिया है, वो पाउच में अगर रखना है तो 13.5 इंच लैपटॉप जाएगा, बट अगर आपको पाउच में नहीं रखना, सो आई जस्ट ट्राइड माय 14 इंच लैपटॉप। अभी ये बैग एक्सपैंड भी होता है, सो फ्रॉम 25 लीटर्स इट बिकम्स 30-31 लीटर्स। ये रहा इसका एक्सपांशन का जिप, ऐसे एक्सपांड कर लिया, दिस इज द एक्सपांशन, ये पार्ट एक्सपांडेड है, ये पार्ट नॉन एक्सपांडेड है। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी क्यूट बैग जो रेक्स है, बैगेज किंग का छोटा टैंक बैग है, काफ़ी अच्छा टैंक बैग है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये यूज़ करने के लिए। स्लीक डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन थोड़ा स्क्वेरिश काइंड ऑफ है, बट इसका काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। सेम काइंड ऑफ मोबाइल जो डायरेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं, सेम वही है इसमें। टच स्क्रीन केपेबल, यहाँ पे भी एक जिपर है आई थिंक टू पुट सम क्विक कैश और समथिंग। लेट्स गो इनसाइड, ओके। सो ये रहा इसका रेन गार्ड, ये सेम टू सेम वैसा वाला है बट इसके साइज का है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बढ़िया कैमरा, तो इसमें मैं मेरा G7X आराम से फिट कर दूंगा। G7X अभी रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं तो सबको दिखा देता। यहाँ पे केबल रखने के लिए जगह या पावर बैंक रखने के लिए जगह। एक और यूनिक अच्छी थिंग यहाँ पे ऐसी है कि इसके नीचे एक ओपनिंग दिया है, दिस इज द ओपनिंग, जिससे आप कैमरा डायरेक्टली चार्जिंग को रख सकते हैं, इसके अंदर पावर बैंक रख के, फ्लैग में पावर बैंक रख के। सो काफ़ी हैंडी है, काफ़ी हैंडी है, मैं बाहर इसका आउटलेट भी ले सकता हूँ, मेरे गाड़ी के चार्जर को भी लगा सकता हूँ। ये इसके कुछ स्ट्रैप्स है, यूज इट एज अ स्ट्रैप ऑल्सो इफ योर गाड़ी इज नॉन मेटल टैंक। मेटल टैंक के लिए मेटल आउटलेट्स है, मैग्नेटिक वाले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने टेस्ट किया, आपको मैं दिखाऊंगा। सेम काइंड ऑफ मटेरियल, एंटी स्क्रैच मटेरियल ऑन योर टैंक, बट आई रिकमेंड आप कपड़ा नीचे यूज़ करो। डिसेंट स्पेस, 12 लीटर्स स्टॉक स्पेस है, एक्सपांड करने के बाद 15 लीटर्स है, एक्सपांड भी उसी तरह से होता है। ये रहा उसका एक्सपांडेड फॉर्म, सेम काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर्स, ट्रॉन जैसा फीलिंग रात को, काफ़ी क्यूट सी टैंक बैग है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे भी आपको जिपर मिलता है, यहाँ पे भी आपको जिपर मिलता है, यहाँ पे इनफैक्ट आपको कुछ प्लेस भी मिलता है जहाँ पे आप छोटा मोटा चीज़ ऊपर से रख सकते हो। काफ़ी इंटेलिजेंटली डिजाइंड थिंग है, यू गेट दिस इलास्टिक वाला हुक जो आपका सामान दबा देगा नीचे अच्छे से। एक्चुअली पर्सनली मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, वो बैग भी अच्छी है, नो डाउट इन दैट, बट ये एक्चुअली मुझे चाहिए था, आई नीडेड दिस काइंड ऑफ बैग टू गो नियर बाय, इधर उधर किधर भी मैं जाते रहता हूँ।
स्पेशली ब्रेकफास्ट राइड, ब्रेकफास्ट राइड में हमें टाइम बैग बड़ा कैरी करने में बहुत दिमाग खराब होता है. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट सेम काइंड ऑफ होल्ड करने के लिए. एंड मेन मतलब मेड इन इंडिया, 2200 फॉर दिस, 2800 फॉर दिस. बाइंग लिंक्स मैं आपको अभी बताता हूँ, उसके पहले आई शो यू. घुटने दर्द कर रहे हैं मेरे, शपथ पसीना यार. सो द नेक्स्ट वन इज हाइड्रा बैकपैक. अभी ये है एक्वा, इसका नाम एक्वा है. इसमें भी सब रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं. पीछे हम जनरली पहनते हैं, सो जनरली जो हमारे जैकेट का पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है वो ढक जाता है बिकॉज ऑफ दिस, बट इसके पीछे भी है, सो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं रिफ्लेक्शन का. हालांकि आई डोंट वेयर द हाइड्रेशन पैक गाड़ी चलाते टाइम लॉन्ग राइड्स के, बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो देखते हो आपको पता है पीठ थोड़ा देर में दर्द करने का चांसेस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द वेट, एडिशनल वेट 3 लीटर 2 लीटर पानी का. सो इसको बेटर है मैं पीछे बांध देता हूँ मेरे ही लगेज के ऊपर, बात खत्म, विषय कट. सो एनीवेज लेट्स गो इनसाइड. ये है इसका जेपर, ये इसमें सिर्फ ब्लैडर जाता है और कुछ नहीं जाता, देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस. दिस इज अ फुल फ्लेज्ड बैग, इसमें आपको ब्लैडर भी है और एक्स्ट्रा स्पेस भी है. सो ये रहा ब्लैडर और उसका पाइप. अभी मुझे हार्दिक बोला कि ये ब्लैडर जो है ये स्मेल नहीं करेगा, 5-6 दिन 7 दिन तक पानी रख के उसने ट्राई किया है टेस्ट करने का और स्मेल नहीं किया, सेम टेस्ट लगी है. सो दे हैव क्लेम्ड दैट इट इज़ अ वेरी गुड ब्लैडर, जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो पानी को फ्रेश रखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो पाइप है पीने के लिए वो भी काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट जो मेरा ये वाला बैक हाइड्रेशन बैकपैक है अली एक्सप्रेस का, ये बहुत बेसिक वाला है. आई यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत बेसिक वाला है. ये थोड़ा एडवांस है, इसका जो पीने का आउटलेट है वो भी थोड़ा मुड़ा हुआ है, उसका कैप भी अलग है. यहाँ पे एक डायरेक्ट लॉक है टू हुक इट इनसाइड दिस. मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यार, खोल के दिखाना. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड दिस स्क्रीनशॉट, तो यहाँ से हम पानी भरेंगे. काफ़ी स्मार्टली डिजाइंड है, ऐसा पकड़ने के लिए हुक दिया है, पानी ऐसे भरेंगे और फिर ऐसा उसको कैरी कर सकते हैं. इसमें आता है 2.5 लीटर तक का मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी. मेरा जो चाइनीज वाला है ये वो 3 लीटर्स का है, थोड़ा ज़्यादा है बट देन दैट्स ओके. इसको मैं अंदर कहीं भी रख सकता हूँ, उसका ब्लैडर निकालने में थोड़ा मगजमारी है. दिस इज़ द आउटलेट, फिर ये इसका आउटलेट को यहाँ फिक्स होगा और ये जो है दिस इज़ द गुड क्वालिटी, इनफैक्ट अ मच बेटर क्वालिटी देन माई चाइनीज वन. सो काफ़ी अच्छा है, आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस. मेरे तो काफ़ी काम की चीज़ है, आई यूज़ इट ऑल द टाइम. अब देखेंगे बैग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेस है. एज यू कैन सी आपका दूसरा छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हो ईजिली. इसमें भी कुछ हुक्स दिए हैं, आई डोंट नो फॉर वॉट, मे बी ओके. सो इसको होल्ड करने के लिए हुक्स दिए हैं, ओके फाइन. इसके पीछे अच्छा खासा मैश है टू अब्जॉर्ब द टी शर्ट पर अगर पहन रहे हो तो. हाइकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको बेसिकली कहीं भी यूज़ कर सकते हो. अंदर भी कुछ स्पेस दी गई है रखने के लिए सामान, ओके. सो आप यू जज इट कैसे दिख रहा है. ये बहुत काम का चीज़ है, इफ़ यू आर वेयरिंग इट दिस इज़ अ मस्ट थिंग. इनफैक्ट आप जब पीछे भी बांधते हो तो ये चीज़ रहेगी तो काफ़ी मदद मिल सकती है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो. गुड डिज़ाइन या इसकी प्राइस है 2000 रुपीज़ फॉर दिस वन. जो सिर्फ ब्लैडर और छोटा वाला है वो अराउंड 1200 या 1500 या 1000 ऐसा कुछ रेट है. ये कॉन्टैक्ट हार्दिक आपको पता चल जाएगा या विजिट द स्टोर आपको पता चल जाएगा. तो अगर आपके सिटी में नहीं है ये प्रोडक्ट मिल रहे दुकान में, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो. पैकेज किंग को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, हार्दिक का मैंशन इज इंस्टाग्राम आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी है. सो मैसेज हिम एंड देन वो कोऑर्डिनेट कर लेगा, वो भेज देगा आपको. पेमेंट ऑनलाइन कर दो, ही विल डायरेक्टली कुरियर द मटेरियल. सो उसको कोई टेंशन मत लो, सब भाई ने आपके सेट कर दिया है. सेकंड अच्छा इसको हम पीछे पहनेंगे नहीं, ये तो बहुत ही छोटा है. सो एनीवेज ये तो हाथ में सब पकड़ के, इसका स्ट्रैप भी है, साइड स्ट्रैप बाय द वे, जो ऐसा स्ट्रैप आता है वो इसके साथ ही अंदर ही है. तो यू कैन डायरेक्टली जो पता नहीं, अरे बोलते हैं ना यार हम कॉलेज में यार पहनते थे एक ज़माने में, ऐसा वाला स्ट्रैप है. गर्मी से मेरे अच्छा अभी मेटेरियल बाहर निकाले, इसको अंदर डालना पड़ेगा. बट दिस इज हाउ इट लुक्स. तो नाउ लेट्स गो टू द बाइक, बाइक पे रख के देखते हैं कैसा लगता है.
सो एज यू कैन सी गाइस, ये पूरा परफेक्टली बैठ गया है. एक्चुअली मेरा टैंक, ये पैनल प्लास्टिक का है एंड द होल टैंक इज़ मेटल. सो यहाँ पे एकदम टाइट है, बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं लग सकता. सो आई हैव टू डू इट लाइक दिस, बट ठीक है, इट डज द जॉब. और एनीवेज, एक साइड में फ्रंट साइड से स्ट्रैप लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी बहुत बड़ा गड्ढा आ गया तो बैंक ऐसे उछल सकती है मैग्नेट्स की वजह से. सो एक बांध के रखना पड़ेगा. एनीवेज, वो तो मुझे करना ही था. और इसको अगर हम टेल बैग की तरह यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन लिखता है. इनफैक्ट एज अ टेल बैग इट लुक्स गुड. सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है. आई मीन सिटी में यूज़ करने के लिए, शॉर्ट्स राइड्स के लिए बहुत काम की चीज़ है. ये देखो, ये नीचे जा नहीं रही है. सो मेटल इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग, और कोई भी मेटल टाइम पे आ जाएगी आराम से. आई मीन काफ़ी काम की चीज़ है ये. और यहाँ पे आपका मोबाइल आएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, ये बोथ बैग्स ऑन माय मोटरसाइकिल. इट डिपेंड्स, मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल डिफर करता है, बट मेटल टैंक होना ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस मैग्नेटिक. अगर नहीं तो यू गेट स्ट्रैप्स विद द बैग्स, सो नो प्रॉब्लम विद दैट. कोई भी टाइप की टैंक हो, यू कैन यूज़ इट. अभी घर पर जाते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई थिंक ये मैंने 3 प्रोडक्ट्स आपको दिखाया है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे मिले हैं, मैं यूज़ करूँगा, देखते हैं कैसे. अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू सो मच गाइज कि मैं आपने मुझे चेन्नई टू मुंबई वाले वीडियो पे इतना प्यार दिया. इनफैक्ट वो सीरीज़ पे इतना प्यार दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ऑल्सो आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई यूट्यूब, और एक पोस्ट भी डाला था कि भाई आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ Q&A वीडियो. सो आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो मुझे पूछने के लिए तो आप मुझे पूछा. आई शॉर्ट लिस्ट सम ऑफ देम, आई एल मेक अ Q&A वीडियो. बहुत दिनों से Q&A वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाया, तो उसके बाद मैंने Q&A वीडियो बनाया नहीं. सो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो. बाइक के बारे में पूछो यार, बाइक के बारे में तो इतने सारे मैंने वीडियो बनाते रहता हूँ. आप कुछ मेरे बारे में पूछो जो आप जानना चाहते हैं, टू नो अबाउट मी और माई लाइफ और वॉट एवर. कुछ पर्सनल चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर करता नहीं हूँ, बट मे बी आगे जाके. डू कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं पूछने के लिए. आई मेक श्योर अच्छे अच्छे मैं कॉमेंट्स पकड़ के मैं Q&A वीडियो में आपको दे दूँ. मे बी इसके बाद Q&A वीडियो आएगा और उसके बाद आएगा, लेट्स सी. बहुत काम है मेरे लाइफ में राइट नाउ, बहुत हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल. ऑल्सो मैं थोड़ा नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, सो यू नो थोड़ा मेसी है यहाँ पे. अभी तक श्योर नहीं है, कुछ चीज़ें द घर कुछ सब फाइनलाइजेशन पे आया नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ थोड़ा आपको, यू नो मेरा लाइफ के बारे में थोड़ा देखते हैं, लेट्स सी. सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपको अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, बुरा लगे तो डिसलाइक भी दबा सकते हो. एनीवेज वो तो आपकी मर्जी है. कॉमेंट ऑन बिलो इफ यू हैव एनीथिंग टू से एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सम रिसेंट अपडेट्स, जो लाइव अपना हमेशा का चलते रहता है वो. मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और घर में का लुत्फ उठाओ. स्टे कूल, अपना जो मगज है वो शांत रखो और एंजॉय द लाइफ यार.